हाय दोस्तों, क्या आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने में कंफ्यूज हैं? क्या आपको पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है? तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा बनाना है जो आपकी सुविधा के लिए बहुत ही सही हो, उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाने का तरीका बता दूंगा। मैंने देखा है कई बच्चों ने कमेंट किया था कि मुझे टाइम टेबल बना के दीजिए। देखिए, अगर मैं किसी एक बच्चे का टाइम टेबल बना के देता हूँ तो वह सारे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किसी के टाइम टेबल को कॉपी नहीं करना है। अगर कोई फ्रेंड है आपका, अगर वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपको उसके टाइम टेबल को कॉपी करना है। आप अपना खुद का टाइम टेबल है। पहली बात ये है कि आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपके खाने, बैठने, उठने, सोने का सब समय अलग होता है और जो आपका फ्रेंड है उसका अलग हो सकता है। इसकी वजह से उसको कॉपी नहीं करना है। अगली बात, अगर आपने टाइम टेबल बना लिया और टाइम टेबल आपके लिए उचित लग रहा है, सही लग रहा है, तो उस टाइम टेबल को कम से कम 21 दिन जरूर फॉलो करिए। अगर 21 दिन आप फॉलो कर लेते हैं तो आने वाले दिन अपने ऑटोमेटिक वह टाइम टेबल आपके लिए चलता रहेगा और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। अगर आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें आपको सोने के लिए पर्याप्त समय देना है, आपको कब विश्राम करना है, कब आपको सोना है, उसका टाइम टेबल, उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि आपको कम से कम सोने के लिए आपको 6 से लेकर 8 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, अगर आप अच्छी तरह नहीं सो सकते हैं तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, या तो आने वाला जो अगला जो टाइम टेबल है वो आपका पूरी तरह फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्रांति या तो आराम बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने टाइम टेबल में कम से कम 6 से लेकर 8 घंटा आप अपने विश्रांति या आराम या तो सोने के लिए जरूर बनाएं। टाइम टेबल जब बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके टाइम टेबल में आपके डेली के प्रतिदिन का खेलने कूदने का समय भी निर्धारित होना चाहिए। कम से कम आपको दिन में एक घंटा दो घंटा कम से कम बाहर घूमने जाना है, लोगों से मिलने जाना है, मतलब लोगों से आपको दूरियां नहीं बनाना है। इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है, इस बात को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। अब मैं बताऊंगा आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है। देखिए, आपको टाइम टेबल बनाने का तरीका सबसे पहले है कि आपको सुबह 4 बजे से आपको टाइम टेबल स्टार्ट कर देना है, मतलब आपकी जो पढ़ाई का टाइम टेबल का स्टार्टिंग है वह 4 बजे से। हर दिन आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और 4 बजे उठ के पढ़ाई करने का क्या नतीजा होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या फ़ायदा होता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या तो आपको पता है कि जो बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, मतलब वह 4 बजे उठ के ही पढ़ाई किए हैं। भोर में जो भी हम पढ़ते हैं, सुबह उठ के जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में चला जाता है, मतलब हमें याद रहता है, हमें बरकरार रहता है। इसलिए आप सुबह का टाइम टेबल बनाइए, सुबह 4 बजे टाइम टेबल स्टार्ट करिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जो याद करने वाले सब्जेक्ट उनको दीजिए। 6 बजे से 8 बजे के बाद आपको कम से कम 2 घंटा देना है अपने लिए, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता वगैरह के लिए। उसके बाद का जो टाइम टेबल है, अगर ऑनलाइन क्लास आपका चालू है तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं है तो फिर से आप अपने टाइम टेबल ऐसा बना लीजिए कि आपकी स्टडी सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर शाम 9 या 10 बजे तक हो, और 10 बजे फाइनली आपको अपने बेड पर चले, उससे ज्यादा वेस्ट नहीं करना। और ये ध्यान दीजिए कि पढ़ाई करते समय बीच बीच में आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। पढ़ाई करते समय कौन सी बातों को ध्यान रखते हैं, मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। मैंने बता दिया कि पढ़ाई करते समय उन बातों को विशेष ध्यान देंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तब यहाँ पर पहले बात यह मैंने बता दिया कि आपका टाइम टेबल की स्टार्टिंग कितने बजे से होनी चाहिए, सुबह 4 बजे से, और उसके बाद दिन भर जो भी जैसा आपका कार्यक्रम है वह सुबह से लेकर शुरू तक लास्ट तक 9 बजे तक या तो 8 बजे तक बना लेना। उसके बाद आपका खाना पीना और सोना, 10 बजे आपको कैसे भी करके सो जाना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक ये जो बीच का टाइम है, इस टाइम में आपको डिसाइड करना है कि आपका खेलने का समय कौन कब होगा, आप लोगों को लोगों से मिलने का समय कब होगा, आपका खाने पीने का समय, लंच का, डिनर का, या दोपहर में जो भी आप खाना खाते हैं उसका टाइमिंग क्या होगा, वह सब आपको क्या है निर्धारित कर लेना है और उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। ये नहीं कि कभी दोपहर में आप
2 बजे खा रहे हैं, इस तरह नहीं करना। एक टाइम आपको फिक्स कर देना हो, उस टाइम पे आपका डिनर लंच सब वगैरह टाइम पे हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आती है पढ़ाई की बात। अब उसमें कैसे कैसे किस सब्जेक्ट को डिवाइड करना है वो बात ध्यान सुनिए कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, जैसे 2 घंटा या 3 घंटा दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर 3 घंटे ज़्यादा देते हैं तो बोरिंग आपको लगने लगेगा, इसलिए ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा दीजिए या तो 1.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा मत दीजिए किसी भी सब्जेक्ट को। और जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, या तो उनको टाइम टेबल में 2 बार इंक्लूड करिए। बाद में अगर वह सब्जेक्ट लग रहा है आपका तैयार हो चुका है तो उसको आप हो सके समय आगे कम कर दीजिए। इस हिसाब से आपको ऊपर नीचे मैनेज करते हुए टाइम टेबल के हिसाब से है। विशेषकर बाद बच्चे मैथ वगैरह में कमजोर होते हैं, मैथ की मैं कई बार बोलता हूँ, मैथ की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं, याद करना था केवल उसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, शाम को जो 7 बजे से लेकर टाइम मिलता है आपको, 7 से लेकर 9 या 7 से लेकर 10 या 9:30, उसके बीच में आप क्या करिए, जो आपका साइंस होती है या मैथ होती है उसके सम्स वगैरह का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ी बात है। मैंने देखा है कई बच्चे जोश में आकर टाइम टेबल बना लेते हैं या किसी और से बनवा लेते हैं, कुछ दिन तो फॉलो करते हैं, उसके बाद उस टाइम टेबल को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर टाइम टेबल बनाया है, आप अपने से टाइम टेबल बनाए हैं, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आपने टारगेट रखा है कि मुझे इतना मार्क्स पाना है, मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए आपने टाइम टेबल बनाया है, उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। जब टाइम टेबल आपने बना दिया है तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें जो भी अब आपका खाने पीने का समय है वह एकदम प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, जिससे आपके हेल्थ पे बुरा प्रभाव न पड़े। खाने पीने का, सोने का सब समय अगर सही रहेगा तो आपका हेल्थ एकदम सही रहेगा, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और साथ साथ में इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बस खाली आपको अपने सेहत के लिए ही खाना खाना है। अगर दोपहर के समय आपने लंच बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लिया है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपका बॉडी वहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आप दोपहर के समय हल्का भोजन लीजिए, शाम के समय भी हल्का और सुबह के समय भी हल्का, मतलब 3 टाइम आपको हल्का भोजन लेना, ज्यादा भोजन नहीं लेना, जिससे आपके शरीर में आलस ना बने। जब भी पढ़ाई करते समय आपका आपको आलस आ रहा है, जो को आलस आ रहा है, थकान जैसी महसूस हो रही है, तो एक चक्कर आप बाहर घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट। यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है तो टाइम टेबल के हिसाब से हमारा कार्य चलते रहना चाहिए। जब भी हम टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि स्कूल में कुछ अलग होमवर्क दिया रहता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसके लिए आप क्या करिए, अगर आपका स्कूल ऑनलाइन चालू है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ होमवर्क मिल ही रहा होगा। अगर होमवर्क मिल रहा है तो उसके लिए आप एक सेपरेट टाइम निकाल के रखिए, सेपरेट टाइम बना के रखिए कि मेरे को मुझे इस टाइम पे अपना स्कूल का होमवर्क करना है। अगर उस कभी बाई चांस स्कूल का होमवर्क नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप रिवीजन, कोई टाइम रिवीजन लिख दीजिए कि वहाँ पे आपको रिवीजन करना है। अब याद करने की बात आई, याद करते समय देखिए, अगर आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर थ्योरी सब्जेक्ट जब याद करने बैठते हैं तो आपको आलस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने बड़े क्वेश्चन को ले लिया, तो क्या करिए, पहले आप उस चैप्टर को, जो भी चैप्टर होता है, उस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ डालिए, कोई भी हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मराठी, कोई भी चैप्टर हो, पहले आप उस चैप्टर को पढ़ डालिए, जिससे आपको पूरे आ जाएगा। अब उसके बाद आप याद करना शुरू करिए। याद कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, या जो सिंगल वर्ड, हाँ, वो आंसर इन 1 सेंटेंस होता है, उसको याद करना शुरू करिए। छोटे छोटे सेंटेंस आप पहले याद करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगा, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसा बता दिया है कि आपको किसी के टाइम टेबल को नकल नहीं करना है। क्यों नकल नहीं करना है, सपोज करिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो हो सके उसका टाइम टेबल कुछ डिफरेंट हो, और कोई बच्चा पढ़ाई में वीक हो तो उसका टाइम टेबल डिफरेंट हो। इसकी वजह से टाइम टेबल आपको अपना खुद बनाना है, और मैंने यहाँ पे पूरी तरह बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है और उसको खुद ही फॉलो करना है। फॉलो करना कितने दिन तक, कम से कम 21 दिन तक आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, और कभी भी इस टाइम टेबल को फॉलो करने में आपको आलस नहीं दिखाना है, और टाइम टेबल आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस टाइम टेबल को कंटिन्यू रखिए, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते। कुछ बातें और जो आप जानना चाहते हैं या कुछ बातें और पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।